और इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर, गंगा की अविरलता की मांग को लेकर मातृ सदन में अनशन पर बैठी साध्वी पद्मावती का स्वास्थ्य बिगड़ने पर 47वें दिन पुलिस ने देर रात उन्हें जबरन उठाकर दून अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो बता दें कि लगातार धरना उनकी तरफ से दिया जा रहा था, तो वो हड़ताल पर थी साध्वी पद्मावती, लेकिन जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी उसके बाद मातृ सदन में आवरण अनशन पर बैठी थी साध्वी पद्मावती, और 47वें दिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी उसके बाद जबरदस्ती उनका अनशन जो है वो तोड़वाया गया और फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पुलिस ने कार्रवाई रात में CMO की तरफ से जारी साध्वी के स्वास्थ्य बुलेटिन के आधार पर की है। साध्वी पद्मावती ने 15 दिसंबर को गंगा की निर्मलता और अविरता के लिए आमरण अनशन शुरू किया था, तब से उनका अनशन लगातार जारी था। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साध्वी पद्मावती के समर्थन में लिखा गया पत्र लेकर अपने जल संसाधन मंत्री संजय झा और सांसद कौशलेंद्र कुमार को हरिद्वार भेजा था। तो पुलिस ने दून अस्पताल में फिलहाल साध्वी पद्मावती को भर्ती कराया है। तो गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर अनशन पर थी पद्मावती। तो अभी फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, साध्वी पद्मावती की फिलहाल अभी क्या कुछ स्वास्थ्य हालत? देखिए, देहरादून के दून अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 47वें दिन उनको जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो उसके बाद उनको जबरन उठाया गया, वरना उनको वहाँ पे वो लगातार उनका अनशन जारी था। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री ऑफिस तक से चिट्ठी आ गई, जब योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार को चिट्ठी आई कि भाई इस अनशन को जल्द से जल्द खत्म करवाओ, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी थी पद्मावती के समर्थन में। तो फिलहाल अभी क्या कुछ स्वास्थ्य बताया जा रहा है पंकज डॉक्टरों की तरफ से? देखिए, उन्होंने बोला है कि अभी उनको उनकी स्थिति बहुत नाजुक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फीडिंग करवाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और उनको ग्लूकोज देने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो कुछ लेने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो तबीयत है अभी स्टेबल बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो अगला बुलेटिन होगा डॉक्टर का, मेडिकल बुलेटिन, उसमें क्या कुछ वो देता है जी। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।